श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंध अध्याय एक विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्रेय ऋषि से यह प्रश्न पूछा। पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है। सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने। वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वह उन्हीं का अपना घर हो और वे दुर्योधन के घर की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते थे। राजा ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच कहां और कब यह भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु, कृपा करके यह कहकर मुझे कृत्य करें। संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे। अतएव कृपालु ऋषि मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे, अतः राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उससे कहा, कृपया इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था और उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लाक्षाग्रह में आग लगा दी। इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य के लिए मना नहीं किया, यद्यपि उसके अश्रुओं से उसके वक्ष स्थल का कुमकुम तक धुल गया था। युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु हैं, जुए में छल पूर्वक हरा दिए गए, किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए और जब उन्होंने साम्राज्य का अपना उचित भाग वापस करने की याचना की, तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने देने से इनकार कर दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों यथा भीष्म द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित थे, उन्हें वे वैसे नहीं लगे। राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए, तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। विदुर ने कहा,
तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है और वह तुम्हारे अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहा है। वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह उच्छ्वास ले रहा है। तुम निश्चय ही उससे भयभीत हो। भगवान कृष्ण ने पिता के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है और संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है, उपस्थित हैं और वे उन सबों के स्वामी हैं। तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। क्योंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, अतएव तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथा शीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। विदुर, जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होंठ फड़क रहे थे। दुर्योधन, कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनि के साथ था। इस रखैल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा है? यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यह बड़ा हुआ है, उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा भेदे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था, क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। अपने पुण्य के द्वारा पुण्यात्मा विदुर ने कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि भगवान के चरण कमल हैं। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की, जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। वे एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहां की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी और जहां अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कृत कार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे अवधूत वेश में थे, न तो उनके बाल संवरे हुए थे, न ही लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम परिजनों से अलक्षित रहे। इस तरह जब वे भारत वर्ष की भूमि में
समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे तो वे प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वजा के अंतर्गत किए हुए थे। प्रभास तीर्थ स्थान में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहां सरस्वती नदी बहती है। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थल थे जिनके नाम हैं त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुधात, गौ, गुह तथा श्राद्ध देव। विदुर इन सबों में गए और ठीक से कर्म कांड किए। वहां महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांतों यथा सूरत, सौवीर और मत्स्य से होकर तथा कुरु जांगल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे जहां उनकी भेंट कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। कृपया मुझे बतलाएं कि भगवान की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपन्नता में वृद्धि की है शूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं। कृपया मुझे बताएं कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वसुदेव कुशलता पूर्वक तो हैं, वे अत्यंत दयालु हैं, वे अपनी बहनों के प्रति पिता के तुल्य हैं और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। हे उद्धव, मुझे बताओ कि यदुओं का सेना नायक प्रद्युम्न जो पूर्व जन्म में कामदेव था कैसा है? रुक्मणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया था। हे मित्र, मुझे बताओ क्या सातवतों, वृष्णियों, भोजों तथा दाचारहों के राजा उग्रसेन अब कुशल मंगल तो हैं? वे अपने राज सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए थे, किंतु भगवान कृष्ण ने पुनः उन्हें प्रतिष्ठित किया। हे भद्र पुरुष, काम ठीक से तो है, वह भगवान के पुत्र सदृश ही है। पूर्व जन्म में वह शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्मा था और अब वही कृष्ण की अत्यंत सौभाग्यशालिनी पत्नी जाम्बती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। हे उद्धव, क्या युयुदान कुशल से है? उसने अर्जुन से सैन्य कला की जटिलताएं सीखी और उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया जिस तक बड़े बड़े सन्यासी भी बहुत कठिनाई से पहुंच पाते हैं। कृपया मुझे बताएं कि श्वफल्क पुत्र अक्रूर ठीक से तो है? वह भगवान का शरणागत एक दोष रहित आत्मा है।
उसने एक बार दिव्य प्रेम भाव में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उस मार्ग की धूल में गिर पड़ा था जिसमें भगवान कृष्ण के पद चिन्ह अंकित थे। जिस तरह सारे वेद याज्ञिक कार्यों के आधार हैं, उसी तरह राजा देवक भोज की पुत्री ने देवताओं की माता के ही सदृश भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। क्या वह देवकी कुशल से है? क्या मैं पूछ सकता हूं कि अनिरुद्ध कुशलता पूर्वक है? वह शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है और प्राचीन काल से ऋग्वेद का कारण मन का सत्रष्टा तथा विष्णु का चौथा स्वांश माना जाता रहा है। हे भद्र पुरुष, अन्य लोग यथा हृदिक, चारुदेश्य, गद तथा सत्यभामा का पुत्र जो श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, ठीक से तो हैं। अब मैं पूछना चाहूंगा कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्म पथ के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं। पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण तथा अर्जुन रूपी दो बाहुओं के द्वारा रक्षित रहते थे, जैसे वे उनकी अपनी ही भुजाएं हों। कृपया मुझे बताएं, क्या विचैले सर्प तुल्य एवं अजेय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया है? गदा चालन के उसके कौशल को रणभूमि भी सहन नहीं कर सकती थी जब वह उस पथ पर चल पड़ता था। कृपया मुझे बताएं कि अर्जुन, जिसके धनुष का नाम गांडीव है और जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात है, ठीक से तो है। एक बार उसने न पहचाने जाने वाले छद्म शिकारी के रूप में आए हुए शिव जी को बाणों की बौछार करके उन्हें तुष्ट किया था। क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रह रहे जुड़वा भाई कुशल पूर्वक हैं? जिस तरह आंख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है, उसी तरह वे पिता पुत्रों द्वारा संरक्षित हैं जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया है जिस तरह गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। हे स्वामी, क्या प्रिथा अब भी जीवित है? वह अपने पितृविहीन बालकों के निमित्त ही जीवित रही, अन्यथा राजा पांडु के बिना उसका जीवित रह पाना असंभव था, जो कि महानतम सेना नायक थे और जिन्होंने अकेले ही अपने दूसरे धनुष के बल पर चारों दिशाएं जीत ली थी। हे भद्र पुरुष, मैं तो एकमात्र उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूं जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके प्रति विद्रोह किया। उसका निष्ठावान हितेशी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने घर से निकाल दिया गया क्योंकि उसने भी अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण किया था। अन्यों द्वारा अलक्षित रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। भगवान के कार्यकलाप जो इस मर्त्य लोक के मनुष्य जैसे हैं, अन्यों को मोहित करने वाले हैं, किंतु भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूँ, अतएव मैं सभी प्रकार से सुखी हूँ। कृष्ण भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी वे कुरुओं का वध करने से अपने को बचाते रहे। यद्यपि वे देख रहे थे कि
उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए हैं और यह भी देख रहे थे कि अन्य राजा तीन प्रकार के मिथ्या गर्व के वश में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर क्षुब्ध कर रहे हैं। भगवान का प्राकट्य दुष्टों का संहार करने के लिए होता है, उनके कार्य दिव्य होते हैं और समस्त व्यक्तियों के समझने के लिए ही किए जाते हैं। अन्यथा समस्त भौतिक गुणों से परे रहने वाले भगवान का इस पृथ्वी में आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? अतएव हे मित्र, उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थानों में महिमा मंडित किए जाने के निमित्त हैं। वे अजन्मा हैं, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपनी अहेतु की कृपा द्वारा वे प्रकट होते हैं। उन्हीं के हितार्थ वे अपने शुद्ध भक्त यदुओं के परिवार में प्रकट हुए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।